रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की शेखुपुरा से खबर है जहां पर तहसील खानका डोगरा में मेहनत कश के दो बच्चे पुर इसरार बीमारी में मुब्तला हो गए। मुश्किल से दो वक्त की रोटी कमाने वाले मेहनत कश का ये कहना है कि वो बच्चों का महंगा इलाज नहीं करवा सकता। देखते हैं मजहर इकबाल शेराजी की रिपोर्ट। खानका डोगरा मोहल्ला मोहम्मदपुरा की रहायशी मेहनत कश मोहम्मद रमजान गरीब खानदान का सरबराह है। मेहनत मजदूरी करके अपने बीमारी में मुब्तला बच्चों का पेट पालता है। इस गरीब खानदान के बच्चे पैदाइश के वक्त नॉर्मल होती हैं, मगर डेढ़ दो साल गुजरने के बाद पुरस्कार बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बच्चों के हाथ पाँव मुड़ जाते हैं और वो खाने पीने के काबिल भी नहीं रहते। ये बच्चे ही इस खानदान की खुशियों का कुल सरमाया है। वालदैन ने अपने बच्चों के इलाज मुआवजे पर अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी खर्च कर दी है, मगर ताहाल बच्चों का इलाज मुमकिन नहीं हो सका है। डॉक्टर ने इसे एक महंगा इलाज करार दिया है जो उनकी बिसात से बाहर है। डेढ़ साल तो बाद जैसी बीमारी की लामत जिस नाल इस तरह हो जाते हैं जी, हाथ पैर काम करना छड़ जाते हैं। मैं मजदूर बंदा इन्हों का नहीं इलाज करा सकिया जी। ये हुकूमत अगर अपील है जी, मेरे बच्चों का इलाज हो जाए जी। मजबूर ममता रोज अपने बच्चों को देकर जीती है और रोज मरती है, क्योंकि ये बच्चे ही उसकी जिंदगी हैं। अपने बच्चे की तंदुरुस्ती के वक्त बनाई गई तस्वीर को वो रोज चूमती है और इस इंतजार में है कि दोबारा ये बच्चे अपनी नॉर्मल जिंदगी पर आ जाएं। तीन बच्चे बीमार ने तो इन्हों का इलाज हो जाए, मैं भी आई चाहनी हूं, इन्हों के नाल मेरी जिंदगी है। एक पिकस और मजबूर माँ किसी मसीहा के इंतजार में है जो उसके बच्चों का इलाज करवाकर उनके घर को खुशियों से भर दे। इसरार बीमारी का शिकार ये बच्चे और इनका खानदान किसी मसीहा के मुंतजर हैं। ये बच्चे भी सेहत याब होकर जिंदगी की रानाइयां देखना चाहते हैं। कैमरामैन मलिक सैद के साथ मजर इकबाल शराजी, वक्त न्यूज, खानका डोगरा।